हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। तो यहाँ पे दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम लेके आ गए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एक खिलौना। तो दोस्तों हमारे पास जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग एक कार। तो दोस्तों ये जो है बोलेनो DX है और बच्चों में ये बहुत ही फेवरेट है और रियल वर्ल्ड में भी जो है काफ़ी बिकने वाली ये कार है। दोस्तों अगर आपके पास ये कार है, आपके पेरेंट्स के पास ये कार है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कौन सा कलर है कार का, वो भी आप बता सकते हैं दोस्तों। और अगर आपको प्राइस पता है तो वो भी आप बता सकते हैं। तो ये जो है शेंशे टोई के द्वारा बनाया हुआ नो बैटरी नो रिमोट वाली कार है दोस्तों, पुल बैक कार है। और इसका मॉडल नेम आपको मैंने पहले ही बता दिया है, कलर जो है मरून कलर है। इसकी कीमत है 299, मतलब 300 रुपीज़ अप्रोक्सीमेटली। और काफ़ी इंटरेस्टिंग इसका जो है बॉक्स पैकिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो सेंशाई टॉयज़ जो है ना दोस्तों, मेन टॉयज़ मेन उसकी कंपनी है, ये उसका एक सब ब्रांड है और ये जो है इंडिया बेस्ड कंपनी है, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है ये दोस्तों। काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो यहाँ पे आपको उनका सोशल मीडिया हैंडल्स, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर्स, वेबसाइट जो है मिल जाएगा दोस्तों। और ठीक है, यहाँ पे हाउ दिस प्रोडक्ट हेल्प इन अर्ली डेवलपमेंट, तो ये जो है कैसे डेवलपमेंट में आपका बच्चों के डेवलपमेंट में काम करता है। पुल बैक एक्शन हेल्प्स डेवलप मोटर स्किल्स, हेल्प्स डेवलप्ड हैंड आई कोऑर्डिनेशन, अंडरस्टैंडिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन थ्रू प्ले, हेल्प्स चाइल्ड रिकॉग्नाइज कलर शेप साइज, डेवलप इमेजिनेशन थ्रू सेल्फ प्ले, बेसिक एग्जाम्पल ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। वाह दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें जो है आपको बच्चे को सीखने को मिलेगी अगर आप ये खिलौना खरीद के उनको देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है पहले ज़्यादा देर ना लगाते हुए इसको हम कर देते हैं अनबॉक्स। टेन टेन। तो इसके पहले भी मैंने जो है बहुत सारे इस तरीके की कार जो है ना उसके अनबॉक्सिंग रिव्यूज़ वीडियोज़ बनाए। कार है, बसेज है, क्या बोलते हैं कि ट्रेन है, टॉय ट्रेन, डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेन्स, रिमोट कंट्रोल वाली कार जो है, बहुत सारी ऐसी चीज़ों का जो है हमने अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू किया है दोस्तों। तो आप जो है उसको उसकी जो है प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन से जो है आप ले सकते हैं और उसमें आप कंपटीशन कर सकते हैं कि आपके बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर क्या है। तो उसके हिसाब से जो है आप अपने बच्चों को कुछ ना कुछ खरीद के दे सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, अपने भांजे भतीजियों को दे सकते हैं, ठीक है ना, किसी को भी दे सकते हैं। दिवाली, दशहरा, नवरात्रि, जन्माष्टमी, क्रिसमस ऐसे ओकेजन पर जो है आप कुछ ना कुछ खरीद के अपने बच्चों को दे सकते हैं और उनको जो है हैप्पीनेस दे सकते हैं, उनका बचपन जो है उनको बेहतरीन बना सकते हैं, एक यादगार बना सकते हैं ये सब खिलौने के साथ, ठीक है। तो ये जो है आपको लोकल मार्केट में मिल जाएगा, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा इस तरीके के खिलौने। इसकी बेस्ट बाय लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं किस तरीके की प्लास्टिक क्वालिटी है इसकी। वैसे मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उसकी कीमत और प्लास्टिक क्वालिटी या तो उसकी क्वालिटी ऑफ जो है ना लुक जो है कंपेरेटिवली चाइनीज़ प्रोडक्ट्स से अभी भी थोड़ा सा डल रहता है प्राइस के हिसाब से, बट धीरे धीरे ये भी इम्प्रूव हो रहा है। मे बी इंडिया भी जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर हो जाएगा 2025 तो कैसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बहुत सारी कंपनियाँ जो है अभी आ रही है ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर, टॉयज़ के मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, और इनोवेटिव या तो पुराने हमारे जो गेम्स थे उसको रिनोवेट करके जो है वो भी इंडिया के अभी अभी मतलब डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त यार इसका लुक है। तो इसको मैं थोड़ा सा अभी चला के देख लेता हूँ कैसा यहाँ पे मज़ा आ रहा है कि नहीं। वाह दोस्तों, बहुत ही फास्ट है, बहुत ही फास्ट है दोस्तों, काफ़ी एक्साइटिंग है दोस्तों, मज़ा आ गया। बच्चों को जो है पूरा एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, वो ऐसे ऐसे करके खेलेंगे, फिर यहाँ पे पार्क करेंगे कार को, फिर यहाँ पे ऐसे करेंगे, फिर यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई मेरे पापा मुझे स्कूल से पिकअप करने के लिए आए, फिर मैं उनसे उनके साथ गया, फिर वहाँ से मैं जो है पिज़्ज़ा खाने गया, पिज़्ज़ा खाने के बाद मैं मैकडोनल्ड्स गया, फिर वहाँ से मैं एक प्लेग्राउंड में गया, वहाँ पे मैं खेला, फिर मेरे पापा के साथ बैठ के फिर से मैं घर पे आया, घर पे आके मैंने जो है खाना खाया, फिर मैं सो गया, फिर मैं उठ गया, फिर मैं तैयार हो गया, स्कूल पे गया, ऐसा कुछ ना कुछ जो है बच्चे खेलते रहते हैं। आजकल जो है बहुत सारे बच्चों के पास जो है टेंट हाउस रहता है और उसके अंदर ये सब चीज़ें जो बच्चे खेलते रहते हैं, या तो फिर कोई टेबल होता है, कोई कोना होता है, वहाँ पे उनका जो है DIY टेंट हाउस बना के, या तो खिड़कियों के ऊपर जो है पर्दे वर्दे लगा के, दोरी लगा के टेंट हाउस बनाते हैं बच्चे घर पे ही। हम तो बचपन में ऐसा ही बनाते हैं, हम तो एक्चुअल में क्या होती है मच्छरदानी जो होती है ना, मॉस्किटो दानी, तो उसके अंदर जो है उसका जो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है उसके अंदर उड़ने की शॉल जो होती है उसको लगा के पूरा जो है तामझाम करके हम करते थे। तो उस टाइम पर बहुत ही कम रिसोर्सेज रहते थे, तो लकड़ियाँ वकड़ियाँ होती थी उससे हम अलग अलग चीज़ें बना के खेलते थे यार, ऐसे ही चलता था। आज के जितना रिसोर्सेज उस टाइम पे नहीं हुआ करते थे। आपकी भी ऐसी कोई यादें हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों बचपन की, क्योंकि आज का समय तो मतलब मटेरियलिस्टिक समय है, बहुत सारे ऑप्शन है बच्चों के पास, फिर भी उनको जो है कमी महसूस होती है हर एक चीज़ की। तो ये सब चीज़ें जो है रहती है दोस्तों, इवोल्यूशन इसको ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। इसकी बेस्ट बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप चाहें तो हमसे भी मंगवा सकते हैं, बट आपको जो है 299 रुपीज़ प्लस डिलीवरी चार्जेस पे करने पड़ेंगे।
पेटीएम के जरिए दोस्तों। तो ये ब्रांड न्यू प्रोडक्ट आपके घर पे हम डिलीवर करवा देंगे। बाकी तो सिंपल सा एक रिव्यू वीडियो था, आई होप आपको ये इंटरेस्टिंग लगा होगा। सो गुड बाय, एंजॉय योर लाइफ, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर चाइल्डहुड।